भाई एक गुजरात की फेवरेट डिश है यार, एक तो ये ना वेंचो पता नहीं। हाँ, एक गुजरात की फेवरेट डिश है जिस डिश का नाम है दाही तिखारा। आज एक डिश नहीं है इंडिया मतलब गुजरात की। भाई मैं मतलब जब मैं स्कूल में था कॉलेज में था तो वीक में एक बार मेन्यू में ये होता था दाही का तिखारा, दाही का तिखारा। तो आज वो दाही का तिखारा है वो मैंने देखा यूट्यूब पे, तो आज वो दाही का तिखारा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये दाही का तिखारा है, दाही का तिखारा वो कैसे बनता है। वो मतलब बहुत ही यूनिक आइटम है ये, और उसके अंदर दाही का जो तिखारा होता है उसके अंदर ग्रीन चिली, गार्लिक, ओनियन, फिर अपना ये क्या है दूसरी चीज, ओनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली एंड जिंजर। दाही का जो तिखारा है ये चीजों में, ये सारी चीजों से बनता है। तो दाही का तिखारा की जो रेसिपी है उसके लिए ये मिर्ची इतनी अच्छी मत है वो महंचो। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ तो अगर किसी लड़की को दही का तिखारा बनाना आता है तो नीचे कमेंट कर जाओ दही का तिखारा। ये जो तिखारा है, एक मिनट ऐड करता हूँ बहन के लंड, कमेंट करो नीचे ऐड करूंगा दाही का तिखारा, कमेंट करो नीचे दाही का तिखारा, कमेंट करो ऐड करूंगा उसको। हाँ दाही का तिखारा कमेंट करो नीचे, उसको ऐड करूंगा, दाही का तिखारा ऐड करो। पीयूष बजाज ने कमेंट करी दाही का तिखारा, आओ बे पीयूष बजाज जाओ लाई पे दाई का तिखारा। पीयूष बजाज, पीयूष बजाज लाइव थे, चढ़ो चढ़ो पीयूष बजाज लाइव थे। भाई शादी करने वाला हूं ना मैं, तो ये सारी डिशेस मैं इसलिए सीख रहा हूं कि भाई मैं मेरी बीबी को सारी डिशेस बना के खिलाऊं, उसके मैं पैर दबाऊं, उसकी सेवा करूं, सुबह में वो उठे तो उसके लिए ब्रेकफास्ट और चाय, ये सारी चीजें मैं तैयार करके उसके बेड पे जाके दूं, दोपहर में उसके लिए लंच बनाऊं, रात को उसके लिए डिनर बनाऊं, इसलिए ये सारी चीजें सीख रहा हूं हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ से मेरी ये कंडीशन हुई है कि वो कमा के लाएगी, मतलब कि वो जॉब करेगी और मैं घर संभालूंगा, उसके हराम के टुकड़ों पे मैं पलूंगा, ऐसा हम दोनों ने डिसाइड किया है। तो घर के सारे काम मैं करूंगा, मतलब उसने ही मुझे बोला कि तुमने
बहुत काम कर लिया अब इतने सालों तक। अब तुम घर पे रहना, मेरी अच्छी जॉब है, तो तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाना जानो, और मैं, हाँ भाई, $1 मिलियन कमाती है वो साल का, ठीक है, मुझे अब लगता नहीं है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत है। हाँ, मतलब मैं जाऊंगा अपने बिजनेस पे, सिर्फ अपना 2-4 घंटे ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, तो हाँ, तो उसने मुझे बोला है कि भाई तुम मेरे लिए सारी चीजें सीखना, बनाना, क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता है यार। हाँ, तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, खाना मैं बनाऊंगा। अच्छा, क्या करती है वो? हाँ भाई, पायलट है वो। वो भी सालों एयर इंडिया में नहीं, एयर मतलब ये एयर अमेरिका में। रामी लोग पायलट है वो, कैप्टन है वो, कैप्टन। हाँ, तो उसने मुझे बोला, मतलब चलो डिटेल्स नहीं देनी है, नहीं तो तुम बहन के लौड़ो वहां भी पहुंच जाओगे तुम्हारी बहन चुदवाने के लिए। हाँ, शेर नहीं, देख फालतू की कमेंट मत करियो, ठीक है? तुझे तेरा पति वो खिलाता था, बता? तुझे तेरा पति टट्टी के पकोड़े खिलाता था या तू तेरे बेटे को खिलाती थी, यूं बता। देख, मेरा फालतू की कमेंट नहीं नीचे, ठीक है? यहाँ बहन चो 1.5 घंटा लगते हैं सारी चीजें काटने में, फालतू की कमेंट मत करियो। देख, फिर मैं एक बार मेरी सटक जाएगी ना, फिर मैं कलप जाता हूं, पता है ना तुझे? हाँ, तो नीचे ये रेसिपी देख, चुपचाप बैठी बैठी। हाँ, तो मैं कहाँ पे था ये सारी चीजें काटने में बहन चो 1.5 घंटा लगता है, ये ग्रीन चिली काटो, फिर बहन चो ये। हाँ, तो भाई वो पायलट है, और पिछले 10 साल से वो पिछले 10 साल से वो भाई अपना पैसेंजरों को लेके उड़ती है भाई आसमान में अपनी बंदी। कल तो वो जा रही थी जापान, भाई लैंडिंग टाइम पे उसने मुझे वीडियो कॉल किया, लैंडिंग टाइम पे, और उसने मुझे दिखाया पूरा अपना अंदर का जो कैबिन बेबिन होता है ना, उसने मुझे पूरा लैंडिंग दिखाया। हाँ भाई, कल वो मतलब अभी तो जापान में वो सो गई है वो। हाँ, तो भाई अपनी तो किस्मत चमक गई, ठीक है। हाँ, खूबसूरत भी वो बहुत है भाई। अभी जाऊंगा ना मैं वैलेंटाइन पे, दिखाऊंगा तुम लोगों को सारा चमत्कार मेरा। हाँ, कॉपीट। अच्छा, ये देखो कॉपीट, कॉपीट का उसने सब कुछ सारा तामझाम मुझे दिखाया, है। हाँ, तो भाई देखो, अपना मामला भगवान ने सेट कर दिया है। वो बोलते हैं ना भाई, जो देर से होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है, जो देर से जो चीज होती है ना वो चीज बहुत ही अच्छे के लिए होती है, समझे?
हाँ भाई सोचो, वो बंदी ने मुझे ये बोला, मैंने उसको ऑनेस्टली 3-4 क्वेश्चन पूछे। मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला भाई मेरे दांत इतने गंदे हैं, ठीक है, जिसको मैं साफ कतई करवाऊंगा नहीं। जब मुझे लगेगा कि भाई मुझे साफ करवाने चाहिए, मुझे मेरे टीथ को फिक्स करवाने चाहिए, तब भी मैं कराऊंगा, राइट। तो उसने ये बोला कि भाई मुझे, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहन जो ये दांत भी गल जाते हैं, सर से बाल भी झड़ जाते हैं जब बेंचो बंदे की उम्र हो जाती है, लेकिन उसका जो दिल होता है ना, उसका जो नेचर होता है, वो तो वही रहता है ना। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई मुझे तेरा नेचर बहुत बहुत पसंद है, लाइक यू काइंड ऑफ द फनी गाय। सोचो भाई, उसके उसको मेरे चुटकुलों से प्यार हो गया, उसको मेरी बकचोदी से प्यार हो गया। सोचो, मेरी बकचोदी से उसे प्यार हो गया। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला भाई कौन सा, मतलब कौन सी बकचोदी। उसने मुझे ये बोला कि तुमने एक बार, तुम मेले में खो गए थे, वो स्टोरी तुमने वो बकचोदी सुनाई थी। उसने बहन जो ये बोला कि भाई मैं इतना हंसी वो सुन सुन के, मतलब के कोई हिसाब नहीं है कि वो जो होता है ना, एक थॉट प्रोसेस, सेंस, ह्यूमर, भाई वो बंदी पागल हो गई। सोचो, मेरा नंबर वायरल है, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जितनी भी बार मेरी कंट्रोवर्सी हुई और लोगों ने मेरा नंबर वायरल किया, भाई मेरा नंबर जो वायरल हुआ ना, उसमें मेरा ही फायदा हुआ। सोचो, जिन लोगों को भी मेरा कांटेक्ट करना होता है ना, वो यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं, और लोगों ने तो मेरा नंबर पिन किया था कि ये है पनोनी का नंबर। भाई सोचो, लोगों को इजीली नंबर मिल जाता है और कांटेक्ट कर देते हैं। सोचो, तो जो भी होता है ना भाई, अच्छे के लिए ही होता है, जो भी होता है ना, वो अच्छे के लिए ही होता है। भाई बहन जो इतने सारे फोन कॉल्स व्हाट्सएप पे, है, उसने मुझे ये बोला कि भाई मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया, बट तुमने कभी कॉल उठाए नहीं, ना तो मेरे मैसेजेस देखे, ना तो मुझे कभी तुमने आंसर किया। मैंने बोला भाई तुम रेगुलर नंबर पे कॉल कर लेती। तो उसने ये बोला कि भाई मैंने रेगुलर नंबर से इतनी बार तुम्हें कॉल किए, ठीक है भाई, सैन फ्रांसिस्को रहती है वो, हाँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि भाई आउट स्टेट का, अगर जिस स्टेट से मेरा कोई लेना देना नहीं होता ना, मुझे मेरे दिमाग में होता है कि कौन से स्टेट से मेरा लेना देना है, ठीक है, तो फिर वो मतलब स्कैम वाले कॉल होते हैं ना, सर लोन ले लो, लौड़ा ले लो, लसन ले लो, ये वो, तो मैं नहीं उठाता, ठीक है भाई। ये तो मिरेकल ही हो गया, अभी 2 महीने पहले ही हम लोग कांटेक्ट में आए, और मजे की बात बोलू, यूएस टू दिल्ली, मजे की बात ये है कि जब वो यहां लगवाड़िया पे लैंड हुई ना, लगवाड़िया पे, उसको पता था। सोचो भाई, सोचने वाली बात है कि मैं जो लोगों को बोलता था ना कि भाई अगर तुम लगवाड़िया पे, सॉरी, जेएफके पे लैंड हो, सॉरी, जेएफके एयरपोर्ट आते हो, वहां से तुम एयर ट्रेन पकड़ो, एयर ट्रेन पकड़ के तुम जमाइका आ जाओ, और जमाइका से आके सीधा बेबीलोन की ट्रेन। भाई वो बंदी ने बेबीलोन आके मुझे कॉल किया, सोचो। मेरी वो लाइफ पे कही हुई बात उसने नोट की थी, जेएफके से एयर ट्रेन टू जमाइका, एंड जमाइका, जमाइका से बेबीलोन की ट्रेन। सोचो,
उसने मुझे बेबीलोन, यहाँ यहाँ है ना वो ट्रेन स्टेशन, अरे हरामी लोग, तुम लोगों ने देखा ही, वहां आके मुझे कॉल किया। सोचो, अब भाई मुझे तो पता नहीं था कि वो आने वाली है। अब मैं तो मतलब डेयरी बंद पे था, मुझे क्या पता भाई, मुझे मजाक लग रहा था। तो मैंने ऐसा वो, अब मैं मतलब के उस टाइम पे मैं दूसरे फोन पे था और वेटिंग में कॉल आ रहा। मैंने उठाया, उसने बोला कि भाई बेबीलोन ट्रेल मतलब ट्रेन स्टेशन पे हूँ। मैंने बोला चल जूठी फोन रख, फालतू की बात मत कर, मैं दूसरे फोन पे था भाई। उसने मुझे बेबीलोन ट्रेन स्टेशन से सेल्फी लेके भेजी। मैंने बोला वो मैं जो ये तो यहाँ पे आ गई भाई। सोचो, सोचने वाली बात है, इसे कहते हैं प्यार। हाँ तो अभी सीख रहा हूं उसके लिए मैं सब कुछ, खाना बनाना आता नहीं है ना उसको, खाना बनाना बहुत ही अच्छी है वो, इतना कुछ मत है। सीख लूंगा उसके लिए सब कुछ, कौन सा मैं कुछ लूटन जाने वाला है इसमें। किसको ऐड होना है भाई? हाँ तो भाई ये उसने बोला था मुझे कि भाई एक कोई चीज होती है दही का तिखारा, वो मुझे खानी है। तो मैंने बोला चलो भाई, आज मैं खुद पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अरे सालो नीचे कमेंट करो किसको ऐड होना है, फालतू की हवाबाजी मत लिखो ठीक है, वरना लाइव बंद कर दूंगा मैं। यहाँ पे बहनचोद 300 लोग जुड़े हुए हैं नीचे। अच्छा शेरनी को ऐड होना है, ये शेरनी, शेरनी मतलब शेरनी, सुबह सुबह में ही तुझे शेरनी को ऐड किया अभी, रुको क्या है इसका मसला, क्या है इसका? शेरनी को ऐड किया मैंने, रुक जाओ पहले शेरनी का मसला जान लेते हैं। इसने तो डिक्लाइन कर दिया। शेरनी तेरे पास मसला है या फिर तेरे पास असला है बता, तेरे पास मसला है या तेरे पास असला है, दो में से नीचे कमेंट कर दे भाई। तू ये ऐड ना हो रही, एक लिख रहा है सिरेनी के पास हवाबाजी है। साले ऐसा मत लिख, घर में घुस के घूंसट मारेगी शेरनी तुझे, हल्के में मत लियो शेरनी को। चलो भाई ये कुणाल अरोरा, कुणाल अरोरा, कुणाल अरोरा आ जाओ। अरे यार कोई ऐड ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है बहन चोद का यहाँ पे। अरे कुणाल अरोरा आ जा भाई, ये कौन है चाचा हिंदुस्तानी? आ जा भाई, ये चाचा हिंदुस्तानी कौन है? ये चाचा हिंदुस्तानी, आप ही चाचा हिंदुस्तानी? चाचा हिंदुस्तानी चढ़ जा भाई लाइव पे, ए चाचा हिंदुस्तानी। यार कोई लाइव पे ही नहीं आ रहा है, क्या है क्या ये? पता नहीं ये क्या हो रहा है लाइव पे, या समझ में ना आ रहा।
ए चाचा हिंदुस्तान। अच्छा शेरू आई है दूसरी आईडी से। आ जाओ भी शेरू। अरे ये तो याद हो गई, दूसरे लोग याद ही नहीं हो। तेज पत्ता डाली उस पे। क्या बोल रहा था मैं? तू हाँ दालचीनी भी डाल दे, थोड़ा डालियो उसको। ठीक है, क्या कह रहा था? अब बोल, ब्याह कर रहा है तो ब्याह किससे कर रहा है? अरे अरे मेरी वाइफ जो है ना वो कैप्टन है। अरे वाइफ नहीं बोलते उसको, गर्लफ्रेंड बोलते हैं। पता नहीं तेरी कितनी तो गर्लफ्रेंड हो रही है, सपने में ही तू फिर मेरे मुंह से गंदा सुनेगा। अरे नहीं, बस की तेरा है ना ये कुछ, नहीं, ये फाइनल वाला है। मतलब कि ये सपने तो में मेरे घर तेरी पे। मुक्क अरे मार के तेरा गुजारा हो रहा है, कुछ भी फालतू बुलवा ले फिर। यार देख, यहाँ पे मेरे घर पे भी वो आके गई है ना। सारी चीजें फाइनल है, बहुत ही अच्छा। अभी उठते ही मेरे कानों में से खून निकला है इसकी लाइफ देख के। थोड़ा कैमरा तो ठीक कर ले, कैमरा तो अरे ठीक कर ले, कैमरा अपनी ठीक नहीं, छाती को, फोन, अरे तेरी फोन छाती, मतलब। अरे थोड़ा कैमरा को पीछे हटा ले, ढंग से शक्ल दिखनी चाहिए। तेरी छाती इतनी अच्छी भी ना जिसे फोकस छाती में कर रहा है। छाती की बात नहीं है, मतलब मैं अभी बना रहा हूं ना कुछ, तो इसीलिए फोन ऐसे, मतलब इस पोजीशन में। वो सारी बातें छोड़, मतलब के तू सुबह सुबह में कैसे आ गई लाइफ पे। अरे तो उठी, आप उठते बिस्तर देखने की आदत होती है, इंस्टाग्राम कौन कहां क्या अपनी स्टेटस करा रहा है क्या कर। तो बस देखा तो तू बैठा हुआ था, आगे थोड़ी देर तेरी टांग खींचने मजा लेने, और क्या करे बता। जिंदगी में मजे लेती है शेरनी, है सामने वाले को टेंशन दे देती है और खुद मजे लेती है। भाई यही है जिंदगी भाई, मौज करो रोज करो। अब तेरे बस की तो है नहीं, तू बस यहाँ बैठ के मुझे ये लड़की मिल गई है, अब मैं उससे ब्याह करने वाला हूँ। अभी परसों तक तो सुहाना से ब्याह कर रहा था, अब ये कोई पायलट मिल गई वहां से ब्याह कर रहा है। तू बस फेंकता ही रही है पूरी भाई वो जिंदगी में, ब्याह सुहाना, कर रहा हूँ ब्याह कर रहा हूँ। सुहाना का नाम मत ले भाई, उसका नाम ही मत ले। मैं सच बोल रहा अच्छा हूँ। हो गया ब्रेकअप, हो गया उससे तेरा, सुहाना इसे अरे मैं से ब्रेकअप हो गया? तो लूट गया, बर्बाद हो गया, अपने पति के पास चली गई वो। हे भगवान, कई बार ना तेरे पर मुझे बहुत तरस आता है, सच में बहुत तरस आता है। तू क्या तेरा करूं, बिहार नहीं होता ना। अब देख मेरी जैसी भी ना, देख तुम लोग क्या बोलते हो बुढ़िया बुढ़िया, मेरी जैसी बुढ़िया बुढ़िया भी ना दूसरा ब्याह कर रही है। अब बताओ है, और तेरा जैसा बताओ है, कितने साल का? 30 साल का लौंडा है ना तू, अभी 30 साल का। कैमरा तो ढंग से रखा जा रहा बुढ़े से। तो फोन की भौं चुप जाएगी आज। देख मेरे जैसी बुढ़िया दूसरा ब्याह कर रही है, और तेरे जैसे जवान 30 साल का लौंडे का ब्याह ना हो रहा। मुंह बहुत तरस आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, जो कुंवारे लौंडे है ना बिन ब्याहे रंडवे, हमारे यहाँ पे ना तुम लोगों को रंडवे बोले, बिन ब्याहे रंडवे, पता तुम्हें? तो जब बिन ब्याहे रंडवे होते हैं ना, मुंह बहुत तरस आ रहा है तुम लोगों पे। बेचारा खुद का खाना बनाना पड़ा है तुमको, है ना बेचारा। नहीं रात मुझे को ना खुद, ऐसे ही सो जाते हो बेचारे, है ना, नहीं नहीं कहीं नहीं तो अभी पूरी 6 महीने जिंदगी। से तो मेरे, मतलब देख मेरा क्या होता है पता है तुझे। मैं तुझे सच बोल रहा हूँ, अप्रैल से लेके, अप्रैल से लेके नवंबर तक रंडवा, और नवंबर से लेकिन नचमा मार्च तक मैं गंडवा होता हूँ, समझी। वो थोड़ा सा गर्म पानी दे दे, और हाँ हाँ मतलब 6 महीने में रंडवा और 6 महीने में गंडवा। अच्छा, हाँ वाह, व्हाट अ लाइफ ना, व्हाट अ लाइफ ना, गुड। हाँ बहुत ही अच्छी है मेरी जिंदगी ये। मारूंगी ये जो दिल विल मत डालियो इसके साथ, किस, पता है ना, यही से घुमा के रापटे मारती हूँ फिर मैं। मेरे रापटे से तो अच्छे अच्छे के एमएलओ के मूत निकलते हैं यहाँ पे, पता है ना, हर स्टेट के एमएलए के ना हमने मूत निकाल रखे अपने रापटे से। सही बात है। अभी लास्ट टाइम हमने मुंबई का
अच्छा, ये मुंबई वालों का फिर तूने क्या किया? मैं सॉरी शेरनी, मैं बिजी नहीं, मतलब कोई लड़की कह रही थी मेरा पापा एमएलए बेचारे को बढ़िया रात के टाइम में बुला के उसके पापा को बढ़िया अपना हमने करवाया काम अपना उसके बाप से। क्या बात कर रही? गाया था और क्या गाया था रात को हवेली बुलाया था उसके बाप को बढ़िया काम करके गया मेरा अरे पापा फोन उसने आना टूट जाएगा सही में। 5-10 मिनट बढ़िया चटवाया उससे ये पैर अपना किससे? ये काय के बाप से? और क्या आया था 3-4 दिन पहले और क्या बढ़िया मतलब कुछ भी कहो बुढ़े में दम था भाई तो एक नंबर स्काई के बाप ने तेरा पैर चाटा? और क्या कहती ना वो एमएलए एमएलए भी बुलाया था उस एमएलए को तो वही तो, तुम तो कतई सिस्टम वाली औरत थी शेरनी। सिस्टम चाले अपना सिस्टम चाले हर जगह। आई मम्मा ओ बहन शोर, अब भाई देखो यहाँ ना दो फेंकू बैठे हुए तुम चुपचाप बस सुनते जाओ और लपेटते जाओ ठीक है गाइस ना सवाल नहीं करते ज्यादा किसी से ना सवाल नहीं करते कि तुम क्या कर रहे हो ये वो नहीं मेरा दूसरा फोन काट अरे दो नहीं नहीं भाई, ये तो ऐसे ही बोल रही है, इसने सही में किया होगा, इस औरत को जानता हूं मैं, ये मतलब ये कॉमेडी नहीं कर हाँ रही है ये। हाँ तू थोड़ा ना तू थोड़ा मैं हाँ तू ऐसा तू भी फेंक और मैं भी फेंक रही उधर से हाँ भाई मैं क्यों फेंकू? सही बात है भाई, तेरी औकात है उसके पैर चटवाने की, भाई तू कर सकती है, मैं मानता हूं इस बात को, मैं छाती ठोक के मानता हूं इस बात को, कर सकती है तू। भाई देखो ये मेरी ना दूसरी आईडी है मैं अगर लाइव दिखूंगी किसी के साथ या मेरी खुद की लाइव चलेगी तो अब इसी से चलेगी गुड़गांव के सैनी से मेरी लाइव नहीं चलेगी मेरे बहुत लोग उसे फॉलो करते हैं और मेरी बहुत ही जिसे कहते हैं ना नाक कटाई हो गई है लाइव के चक्कर में ठीक है तो इसीलिए ना अब थोड़ा सा ना समझा करो बात को बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर हो गया लाइव के चक्कर में रियल लाइफ के लोगों से डिस्टर्बिंग हो गई है बहुत ज्यादा तो उससे मैं लाइव नहीं आऊंगी अब ना किसी के साथ ऐड होंगी तो फिर ये बॉम्बे के साथ क्या होगा सीधी? जितने लोगों को जानती थी रिश्तेदार दोस्तों सबको हाइड किया हुआ अब ये नहीं पता लगता साला उनकी कौन सी आईडी हो देख जाते पता नहीं कब मेरी लाइव आके रात के टाइम में किसका किसका कह रहा है अरे तुमने ये जो बॉम्बे केस हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर तुम लाइव नहीं आओगी तो फिर ये केस का क्या होगा? तो क्या करना है केस का इसने किसी ने बोला कि भाई इसको पिटवाना है लाइव में बैठकर इसको दिल्ली में हमने किसी बंदे को हायर किया है तो मैं वेट कर रही हूँ कोई पीटने वाला आने वाला है शायद मेरे को ना तो मैं उसका थोड़ा वेट कर रही थी बस कि एक बार अच्छा, कोई उसने मतलब तुझे पीटने के लिए कोई बंदा बंदे को हायर किया है? हाँ, किसी को बिठा के ना ये बोला है कि भाई इसको पिटवाना है और इसका कतई हेलो राज क्या हाल है शेरनी? कैसी? बिल्कुल बढ़िया भाई तो मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कब वो काम उनका कार्यक्रम हो जाए शेरनी को हाथ लगवाने वाला है और ये बात हुई थी आई थिंक 29 या 28 तारीख की लाइफ को हुई थी तो जानू जो जिसने भी ये बात उस पे बोला है डार्लिंग मैं आपको बता दूं कि 31 तारीख को हमने ना अपना एड्रेस जहाँ पे भंडारा हुआ था ना फुल एड्रेस के साथ हम वहां ना 5 घंटे थे ठीक है तो वो जो बंदा था ना कह रहा था शेरनी का एड्रेस दे कौन था जो भी था तो वो भी गुड़गांव का ही था तो जो गुड़गांव के बंदे होते हैं ना उनके लिए गुड़गांव का एड्रेस निकलवाना बड़ी बात नहीं होता है ठीक है तो ज्यादा सही बात, हवागिरी नहीं करने का होता है ठीक है और अपने औकात में रहने का होता है औकात में वैसे सर्दी बहुत है एक ही रैप्टे में बंदा ना पता ना ठर ठर जाएगा फिर ये बात तो है। शेरनी एक ही है मल्ले के अंदर, पूरे गुड़गांव के अंदर, सो वी डोंट गिव अ शिट अबाउट नो वन। ओके, बाकी रही प्रनोडी की, प्रनोडी है भाई प्रनोडी। एक बात बताऊं तेरे को, मैं तेरे को फोन किया था, फोन करने का दिल नहीं किया तेरे को आज, मेरे को पता क्यों? तू ऐसा बंदा है, तेरी कोई जबान नहीं है, मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूँ अभी। तू तेरी ना, एक मिनट रुक जा शेरनी, अब रुक जा, मेरे को ऐसा है, मैं देख मैं हाथ कर रहा है, मैं तेरे को सामने नहीं आऊंगा, तेरी कोई जबान नहीं है, अगर तेरी कोई जबान होती है तेरे लिए मैं वो बंदा हूं, मैं तेरे लिए हर एक जगह खड़ा हुआ हूँ, तुझे भी पता ये बात और मुझे भी पता है। यू नो व्हाट द फक आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम मैड ऑन द फक इन समथिंग, बिलीव मी। गोल्डी भाई को देखा, गोल्डी भाई इज आउट, क्योंकि गोल्डी भाई, आई रिस्पेक्ट गोल्डी, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ बंदे की मैं, और तुझे यार अब पता है तो ये बात मैं हो किस गई बारे भाई, में बात कर रहा हूँ। अब इफ यू टॉक तो एनीथिंग क्या अबाउट भाई, मी सुनो और माय माय सुनो गर्ल दैट इज रॉन्ग।
अरे लेकिन यार मैंने तो राज भाई कुछ बोला ही भाई नहीं यार मेरी तुमसे, बात सुन, मेरे मेरी पे। बात सुन, मेरी बात सुन। तेरे को पता है मैं हाँ कहाँ रहता हूँ और मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। यू नो मी वेरी अरे वेल। लेकिन मैं क्या, मैं तो सुनो, मैंने गाली दी तुम्हें लाइव पे, सच मनोज बताओ। तू गाली दे भी देगा तो मुझे कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ेगा, जब मैं तू गाली खा सकता क्यों अपनी गाली भाई, खा जब सकते मैं हैं। सुनो, जब मैं भाई मैं क्यों गाली दूं तुम्हें भाई, मेरी बात सुनो। वो बंदा बोल रहा था, मैं वेयर उसको आई रोक लिसन रहा टू था कि मी, सुमित मैं भाई आई जान वोंट दो टॉक जान अबाउट दो यू। जान दो। मेरा कोई मतलब नहीं है भाई, वो कोई यार नहीं है मेरा, ना मेरा दोस्त है भाई। ठीक है, 50 रुपए का, 50 रुपए का उसने मेरे लिए केक काट लिया, कल सुबह काट दूंगा केक। और तेरे को पता है मेरे लिए केक कुछ नहीं है, फ्रेंड कर केक मेरी लियो कुछ नहीं है, भाई, ये तू भी जानता तुम है, मैं लोगों भी का जानता केक हूँ। केक का कौन क्या रहता चल हूँ रहा था मुझे पता नहीं था भाई, भाई, मैं तो मेरा ऐसे कोई ही लाइव मतलब ही लाइव नहीं लग है। हो गया। तो मेरी बात सुनो, मैं लाइव आता नहीं। व्हाई पीपल जेलस अबाउट मी? मेरे मुझे, पे अरे क्यों जेलस कर रहे हो मैं भाई? हो रहा था ज्वेलर्स, नहीं, मैं ज्वेलर्स हो तुम रहा नहीं था। हो रहे थे। तो तुम डिस्कशन लाइव, तुम्हारे को मना किया लाइव में, मेरे बारे भाई में और मैंने मेरे बंदी के बारे में नहीं तो, बोल रहे। अरे भाई मैंने कहा तुम्हारे बारे में बात की यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि ए जैसे मैंने लाइव पनौड़ी चला। भाई, आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट। तेरे को पता है मैं भाइयों वाला प्यार करता हूँ तेरे को। तूने जब भी कॉल किया, आई टेक केयर फॉर एवरीथिंग अरे भाई। आपको मैं भी भाईयन वाला ही प्यार करता हूं भाई, मैंने मेरी तुम्हें मेरी क्या बात गलत सुनो, बोला? मेरे मुकद्दर में लगी लिखी होगी वो लड़की मेरी है, अरे समझे यार मेरी तुम बात? लड़कियों के लिए लड़ रहे हो तुम यार मैं राज लड़ भाई नहीं रहा भाई। यार। मैं तेरे को उस दिन भी मैंने फोन पे कहा था, पनोड़ी मेरे बारे में और किसी के बारे में तू बैठा ही मत कर भाई, प्लीज। आई लव यू। अरे भाई मेरी बात सुनो, वहां पे लाइव मुझे तो पता नहीं था, ठीक है, सुमित ने लाइव चलाई, सुमित ने लाइव चलाई, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन हुआ। यार उसने सुमित से तो मेरे को मसला थोड़ी है, सुमित भी भाई है हमारा, मगर सुमित का आई डोंट नो व्हाट इज इज गोइंग ऑन, वट एवर, आई डोंट केयर। उसका मेरे को था, मेरे को कॉल कर सकता था, व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है उसका, उसके पास ही मेरा है। तुम तो यार मुझे तुम तो यार मुझे बदनाम नहीं कर रहे हो। अब सुनो ड्राम नहीं कर रहा, सुमित सुमित, देख सुनो मेरी बात। सुमित का, सुनो सुमित पनौड़ी का तू तुमसे क्या खुन्नस है, सुमित का तुम्हारी बंदी से क्या खुन्नस है, लुक मुझे क्या डोंट गिव पता अ है यार? डैम शिट मैन। मैं किसी का केयर नहीं करता, क्या खुन्नस है क्या नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मैं मेरी बंदी मेरे साथ है, समझा मेरी बात, मुझे कोई चक्कर ही नहीं है। वो आज भी मेरे साथ और कल भी मेरे साथ और हमेशा मेरे साथ अरे रहेगी। यार वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, हम तो यही चाह, मैं सुमित अब भी तो यही मैं चाहता ये है ना थोड़ी कि कर सकता तुम्हारी हूँ, आज शादी मेरे हो पास जाए। सोहाना नहीं, आज मेरा पायलट आ गई या सोहना आ गई, ऐसे वाले काम नहीं करूंगा ना भाई मैं। अरे अरे यार देखो, मैं तो भाई देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो राज भाई, मेरा तो आज क्या है, मेरे लिए प्रेम जो है ना वो सर्वस्त्र है। आज मैं यहाँ पे हूं तो मैं कल कहीं पे भी, भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बाबा आया हुआ शायद, नीचे लिख रहे बाबा को ऐड नहीं, कर आई दिया नो तेरा मेरे आईडी। भाई, आई नो तेरा कोई वो नहीं है, बट स्टिल विद हाँ यू ऑलवेज, मेरी तेरे साथ बातों, हम। मेरी बातों का कोई सुनो, मेरी बातों का कोई मोल नहीं है और मेरी जबान का कोई तोल नहीं है, समझते हो? बात मेरे से ज्यादा कोई नहीं आई जानता है। हाँ भाई, मैंने ये तो भाई, राज तुम इस मुझे बात ये को और बताओ, एक्सेप्ट मैंने करो, ये एक्सेप्ट करो। एक तो ये भाई, तुझसे सगा नहीं है, हम किसी बात का नहीं है। अरे मेरे को कितनी लेकिन राज लाइफ भाई, में तुम एड, मुझे मेरे को ये बताओ, इनवाइट तुम हुई है, मुझे ये मगर बोल मेरे रहे हो उस कि लाइन तुम में नहीं अपनी जा रहा जबान से क्यों? निकलो? क्योंकि ये मैं मीटिंग मैंने में तो बैठा हुआ तुम्हारे हूँ। बारे में अरे कुछ यार गलत कोई भी बोला ही नहीं बात लाइव नहीं, पे, कुछ नहीं बोला आपने, मगर वहां तो पे मैंने आपको उस दिन बोला था फोन पे, यार परोड़ी भाई लाइव पे मत करा करो मेरे लिए मेरी या बात मेरी सुनो बंदी के लिए। राज भाई, पूरी लाइव देख लेना, मैं चुपचाप बैठा हुआ था। मेरे हाँ को सारा पता लग गया, मगर हाँ मैं नहीं आ रहा। मुझे तुमने गोल्डी देखा ना, भाई कॉल आई थी, तुमने, अरे मतलब गोल्डी भाई कीड़ा निकल गए, पठानिया गोल्डी भाई निकल गए, वो का। मतलब गोल्डी भाई निकल गए, ठीक है, और मैं बैठा रहा तो मतलब कि तुम्हारी नजरों में मैं मतलब गुनेगार बन गया मैं। नहीं, गुनेगार नहीं हो सकता। हेलो पनोड़ी गाइस, देख, ब्रेकफास्ट पनोड़ी, करो गाइस, गाइस ब्रेकफास्ट करो गाइस। अरे शेरनी यार तू वैसे सुंदर क्यों लग रही इतनी, चक्कर क्या? आजकल वाइन पीने लगी हूँ रोज, तू समझ रही कसम क्या कह रही खुदा है? की तेरे लिए वोडका लेके आऊं मैं क्या? नया वोडका छोड़ दिया मैंने। नहीं मैं एब्सोल्यूट भेजता हूँ तेरे को, तू बात कर, नहीं नहीं कल नहीं सुबह पहुंच नहीं जाएगी। या मैं वो ले रही हूँ, क्या नाम है, विस्की या फिर ये अपना वाइन, बस दो ही। चल ठीक है, तेरे को वेरी सुन, तेरे को मैं बोलेगी तो मैं तेरे को वाइन भेज दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। नो थैंक्स, अभी व्हाइट कल ही मेरी वाइन, मंगाई है क्या? व्हाइट एंड उसकी रेड मंगाई वाइन, है, जैकब, व्हाट एवर यू लाइक जैकब इट। की, इंडिया में जैकब वाइन नहीं है, रेड वाइन, जैकब की पेटी अरे मंगाई है कल हम ही। इंडिया सुनो वाले राज नहीं भेजेंगे, भाई, अमेरिकन मैं भेजेंगे। ऐसा बंदा हूं ना भाई, मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं दिल जोड़ने में मानता हूं,
ठीक है। अरे मेरा क्या क्या मतलब यार चेतना वेतना से, वरना राज राज भाई फिर मैं राज खोल दूंगा तुम्हारा कि चेतना की आईडी किसने उड़ाई थी वो, जब मर्जी खोल दे ठीक है। देखो मैं सटक जाऊंगा ना राज भाई, फिर तुम कलप जाओगे, मतलब फालतू में तुम मेरा नाम मत लो ऐसे सब जगह पे। नहीं नहीं मैं नाम नहीं ले रहा, मैं आराम से बैठ रहा था लाइव पे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है यार, मैं अपनी मर्जी से लाइव पे नहीं जा सकता क्या? थोड़ी मैंने ये नहीं कहा आपको, मैंने ये बोल रहे हो मुझे कि तुमने जबान का भाई। राज भाई देखो मैं ना सारे प्रूफ फेंक दूंगा चेतना के सामने, किसने आईडी उड़ाया था और क्या पूरा हुआ था वो। फालतू की सुनो, फालतू की बातें मेरे सामने मत किया करो, वरना सारे हैकरों को बोल दूंगा मैं, सारे प्रूफ फेंक दूंगा मैं किसने क्या कंट्रोवर्सी की। और हाँ ठीक है, अरे डरने की बात नहीं है यार। मैं शेरनी मेरी बात बता, शेरनी तू मुझे बता भाई, तेरी लाइव चल, सुन सुन मेरी बात, तेरी तो तेरी कंट्रोवर्सी अभी चल रही है बॉम्बे वालों के साथ, ठीक है भाई। मैं कुछ बोलता हूँ, मैं तेरी लाइव पे आके सिर्फ बैठता हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, इसका सुमित का और इसकी बंदी का सुमित के साथ क्या चक्कर है मुझे क्या पता, बता। अरे कोई भी चक्कर नहीं, सुमित तुम दोनों को लपेट रहा था, ये बंदा मेरे पे चल रहा है कि पनौड़ी भाई तुम क्यों बैठे थे भाई? मेरी बात सुन, अब कोई चक्कर नहीं है भाई, मेरी बात क्या हुआ? अरे राज भाई मेरा क्या मतलब यार तुम्हारे से और तुम्हारी बदली से, तेरे को पता तू जान है अपनी, तेरे को पता। अरे भाई देखो राज भाई, अगर भाई एक बार बताओ, कभी भी मेरी गलती हो गई अगर तुम, मैं नहीं जाऊंगा फिर सुमित की लाइफ पे, उससे तो ज्यादा मैं क्या बोलूं बताओ। नहीं 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 जहाँ मर्जी जाओ, बट यार देख तेरे को पता है मैं उस बंदी को लव करता हूँ, वो मेरी जान है भाई। तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम शादी करके भाई तुम सेटल हो जाओ, हमारा क्या मतलब है तुम्हारी बंदी से। मैंने फोन पे कोई बात बताई थी ना आपको, मैंने कुछ बोला था ना, तो तुम मुझे राज भाई ये उसको लेट हिम टॉक, लेट देम पीपल टॉक। भाई कितना की भैंस छूट गई ये कंट्रोवर्सी में। अरे इसका ब्याह होने दो, इसे कंट्रोवर्सी में मत खींचो बेचारा। अरे मैं दुख लगेगा शेरनी, मैं आपकी लाइव देखता हूँ सिर्फ, आई डोंट, मैं नेवर से, मैं आपको कभी बोला भी नहीं होगा मुझे ऐड करो, मैंने कभी बोला भी नहीं होगा, मैं लाइव देखता रहता हूँ जैसे, मगर मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ बात करने की, क्योंकि देखो सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने कभी किसी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं की। मुझे मेरे को आपके बॉम्बे वाले ने मुझे इग्नोर किया, ब्लॉक किया मुझे, और उसने कनाडा वाले से भी ब्लॉक करा दिया मुझे, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं था। मैंने कनाडा वाले को डायरेक्ट कॉल किया, मैं कहा भाई तूने मुझे ब्लॉक क्यों किया भाई, कहता मैंने तो नहीं किया, मगर मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ओके मैं कर ले भाई, तू कर ले, मैं को तेरे को, तू मेरे से भाई, मैंने दिया है तेरे को, लिया नहीं है तेरे से, दिया है, दिया है मैंने कनाडा वाले को, मैंने लिया नहीं है। 10,000 रुपए मैंने दिया था उसको इंडिया में, नाम दे के बोलो कनाडा वाले महाजन साहब। अरे उन्हें व्यूअर मिल जाएंगे, नाम लेंगे तो वो उसी के तो भूखे हैं, छोड़ो नाम नहीं लेने का, कुत्ते बिल्लियों का नाम नहीं लेते। जबान पे दिलवाया था उसको मैंने, मगर मैंने फिर भी मैं उसको आईफोन 12 प्रो दे रहा था मैं 50,000 रुपए का, मगर मेरे को सूफी ने रोक दिया, कहता नहीं देना। अच्छा सूफी भाई अपना, सूफी ने कहा नहीं देना राज, मैं ठीक है भाई, मगर उस बंदे ने ब्लॉक किया सिर्फ विदाउट रीजन, मैंने कोई गलत बात नहीं की दोनों के लिए, ठीक है भाई तुम जो मर्जी करो, बट मुझे यार गलत मत मुझे बनाओ, मैं कभी किसी से गलत नहीं करता, मेरे को लाइक आई डोंट नीड टू बी लाइक क्रिटिसाइज विद एनीबॉडी यू नो। अरे नहीं नहीं राज भाई, तुम्हारा नाम भाई कोई नहीं ले रहा है यार, तुम मतलब यार मुझे ऐसा यार मुझे मत बोलो यार, और सुमित सुमित और सुमित और तुम्हारा क्या चल रहा है भाई, तुम्हारा डीएम में क्या बातें होती है, हाउ भाई सुमित ने लाइव चालू की, मैं तो ऐसे ही जुड़ गया भाई। अरे मैं डीएम में मैं जो मर्जी करूं, मैं तो, जो मर्जी करूं, मेरी लाइफ है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हारा और सुमित भाई का डीएम में क्या मतलब लफड़ा हुआ मुझे क्या पता भाई। नहीं हुई ना, नहीं कोई बात ही नहीं शुरू से मेरी। राज एक चीज जो इंस्टाग्राम में मुझे जो लगती है, जो
लोगों को मैनर्स नहीं है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, यहाँ कोई भी मुझे नहीं लगता अरे, एक दो लोगों को छोड़ शेरनी जी, शेरनी जी माइंड में करना, शेरनी जी एक बात सुनो, आपका लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, ठीक है, मैं 10वीं फेल आया हूँ इस कंट्री के अंदर, 10वीं फेल इस कंट्री के अंदर है, 96 के अंदर, 96 के अंदर अकेला खड़ा हूँ मैं आज की डेट के अंदर, 1 करोड़ की गाड़ी यूज करता हूँ मैं, नीचे बड़ी है, अकेला खड़ा हूँ मैं, नोबडी हेल्प मी, ओनली मेरे बाप ने मेरी हेल्प की है, आज मेरा फादर नहीं है, मेरे बाप हेल्प करके गया, जो भी है मेरे पास लाइफ में, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ के अंदर, पनौड़ी को पता है न्यूयॉर्क की लाइफ कैसी है, पनौड़ी को पता है, 16 साल रहा हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, तो आई नो व्हाट इज द लाइफ इन द न्यूयॉर्क, दिखाता हूँ न्यूयॉर्क की लाइफ कैसी, और मेरा तो एक ही फंडा है, कोई अपनी लाइफ में 10 को लेके घूम रहा है, 20 को लेके घूम रहा है, बिना लिए घूम रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं बता रही हूँ, अपने काम से मतलब रखो ना, अपने काम से मतलब रखो है भाई, यहाँ दूध का धुला कोई नहीं होता है, मैं वैसे बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, जो इंसान ये कहता है ना कि मैं भाई इतना बड़ा शरीफ हूँ, वही सबसे बड़ा चौधरी मादर का लौड़ा निकलेगा, सही बात है, सही बात है, सही बात है, और कोई कह देगा ना, रोज मौज लेते हैं हम तो, रोज लेते हैं, मेरे तो शौक ही अलग है, पूरा इंस्टाग्राम को पता लग गया, जो बात है खुल के बोलो अपने बारे में, बस एक शेरनी जी आज की डेट के अंदर कोई बंदा ये भी कह देगा ना मैंने शादी की है कल, अगर ये चीज लेने की और देने की ना होती तो बहन से सृष्टि ये दुनिया चूती है, फिर ये सारे काम करे हैं, और यहाँ के ना भाई मैं तो बड़ी सच्ची सावित्र, मैं तो बड़ा हरिश्चंद्र दूध का दूध, अब इतनी ठंडी है यहाँ पे, अरे यहाँ पे 80 का टेम्परेचर है, नंगड़ो ये जरूर बियर लेने निकला होगा अब रात को, नहीं यहाँ हाँ मतलब मैं ही भी यही है, मैंने सोचा एक बियर पी के सो जाऊंगा, खाना बना मुझे कैसे पता कि बियर लेने निकला है बाहर, अरे मुझे नहीं सुन, मुझे पता ही नहीं था लाइव ऐसी चलेगी, मैंने सोचा थोड़ी देर बकचोदी करूंगा और चला जाऊंगा, ठीक है लाइव से पता ले ले, पर मैंने तो पता ही नहीं चला, मैंने भी तेरे चक्कर में पैसे लगा दिए, मैंने भी बोल कर आई है, देखो मैं चाय पी रही हूँ, ये देखो मैं चाय पी रही हूँ, ये देख लो, तू मुझे एड्रेस भेज दिए शेरनी, सुबह मैं तेरे को वाइन भेज रहा हूँ, तो पता ही नहीं चला इतनी लंबी लाइन चल रही है, कितनी पेटी भेजेगा, दरवाजा खोल पड़ जरूर देखो, तू बता दी पेटी भेज देंगे, पेटी क्या होगी तेरे लिए, क्या हो गया पेटी इधर से बड़ी, पता फिर, अरे मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, सुन 4-5 पेटी भेजियो, जानबूझ के बोल रही हूँ, फिर कुत्ते बिल्ली अपने लाइन में भोगेंगे, देख बकरी ने कैसे भिखारी होके भीख मांगा उससे रात से, तो मैं तेरे को अब ये ना हो ना, ये ना कल मैं भेज देना प्लीज, ये ना हो ना मेरी बात सुन ले, ये ना कल मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैं सुबह एड्रेस तो मांग ही रहा हूँ, मैं समझी मेरी बात, अरे सुन मेरा एड्रेस पूरे जहान को पता है, 300 अरे अपने को देख मेरी बात सुन, सिमी को मेरा एड्रेस पता है, सिमी को मेरा एड्रेस पता है मेरे घर का, सिमी को पता है मेरे घर का एड्रेस, समझी मेरी बात, ऐसे डरने लग गए ना फिर तो जिंदगी क्या हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, एक मिनट होगा क्या, अरे कितने बजे, 1 बजे बंद होती है ना बियर, मैं चो देखो भाई, भाई 14 15 आया क्या कि बियर लेने आया, अरे बियर लेने गया था भाई, वैलेंटाइन डे कोई भाई की शादी है लेकिन दुल्हन चेंज हो गई, बस फर्क इतना है दुल्हन चेंज हो गई, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है,
फक मैन शिट अब दोबारा आ गई क्या वो एयरलाइन दोबारा आ गई हाँ पहले वाली दुल्हन पहले वाली पति के साथ ही भग गई इधर देखो भाग गिरा हुआ है सारा निकाल अच्छा क्या बात कर दी अरे पहले वाली दुल्हन पहले वाले पति के साथ ही भग गई यार गलत बात हाँ तू इंडिया आ जा मैं तेरे लिए एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढ के रख दूंगी आ जा तू भी क्या याद करेगा है अरे एयरलाइंस वाली मिली है शेरनी बहुत बढ़िया वो लड़की है सुनी ना रहा है मेरी बात मैंने कहा तू इंडिया आ जा मैं तेरे को अच्छी सी दुल्हन ढूंढ के दूंगी पंडितों की छोरी याद करेगा पूरी जिंदगी समझ ले पंडितों की छोरी कैसी होती किसी से पूछियो ठीक है दहाड़ने में नंबर वन होती है लविंग में नंबर वन होती है हर चीज में नंबर वन मिलेगी पंडितों की छोरी अरे शेरनी ये मत कह दी देले में नंबर वन होती है किसमें नहीं मैंने कहा हर चीज में नंबर वन होती है पंडितों की छोरी जी की बात क्या कह रही है यार वो मैंने जो बोला यार तो देख एक औरत को हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी होता है समझ गया हर चीज में अगर वो हस्बैंड के साथ रिलेशन में तो तभी तो वो उसके साथ रहेगा कहीं इधर उधर भागेगा नहीं फिर गलत बोला कुछ बता फक मैन नहीं बोला मैं देखो सच बात बोलती हूँ देखो अगर आदमी आदमी परफेक्ट होगा तभी लाइफ चलती है औरत भी परफेक्ट होनी जरूरी होती है ना हर चीज में फिर नहीं हमारा देखिए आदमी तो परफेक्ट है अभी तो कम से कम दारू पी के लाइफ नहीं चला रही हूँ चाय पी के बैठी हूँ नाश्ता करके अब तो नहीं बोल सकते ना शेरनी दारू पी के बहुत गंदा बोलती है नहीं नहीं लिसन शेरनी तू बहुत बढ़िया बढ़िया लेडी है ग्रो अप लेडी है ये भी नहीं कि तू बच्ची है तू तेरे को पता तू क्या कह रही है बट कभी कभी दारू पी के थोड़ा थोड़ा ओवर एक्टिंग हो जाती तेरी ओवर कंट्रोल कर उसको बोलते हैं अपना ना सेंटी होना भड़ास निकालना वो होता है आई नो बट यू हैव टू कंट्रोल ऑन दैट प्लीज कंट्रोल नहीं होता मेरे से जब मैं ओवर पी लेती हूँ मेरे से कंट्रोल नहीं होता फिर तो बस कहीं ना कहीं कहानी बिगड़ी जाती है फिर मेरी भाई देख मेरी बात सुन तू कोई बच्ची तो है नहीं दो साल की बच्ची तो है नहीं I have जवान बेबी बॉय you know you have a जवान बेबी बॉय but you have to understand like you have to be like talk like nice way yeah but you know दारू चीज ही ऐसी है मेरी बात सुन जिसने अगर पी के आउट ऑफ कंट्रोल ना हुआ तो बहन तो पानी ना पी ले फिर बता फिर ऐसा भी है नहीं कि कोई रोकने वाला हो मुझे अकेली रहती हूँ रात को पीने टाइम में कोई नहीं रोकने वाला मुझे ठीक है कि तू ज्यादा पी रही है कम पी रही है पी के फिर मां चोद देती हूँ लाइफ पे और अगले दिन पता लगता है भैया मैंने लोगों की मां नहीं चोदी वो मेरी चोद गई कहकर फिर आप थकता भी तो रुक गई हूँ मैं जब लिसन टू मी आई टेल यू वन थिंग नेक्स्ट डे फिर ये भी मत कहा कर ना आई एम सॉरी किसी को सॉरी भी मत बोला कर तो सॉरी तो मैंने गोल्डी को बोला दारू पी के ज्यादा देख गोल्डी तो भाई अपना तेरे को उस दिन मैंने मना किया था तूने मेरी बात सुन मैं तेरे को उस दिन मना कर रहा था गोल्डी भाई को कुछ मत बोल बट तूने मुझे उल्टा बोला मेरे को जो देख गोल्डी और मेरे अंदर की बात है मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी मगर देख मेरी बात सुन देख मेरी बात सुन देख गोल्डी की माँ है हमारी माँ है समझी मेरी बात समझी मेरी बात और वो तेरा अच्छा दोस्त है तो दोस्त भारी लाइफ पे इसकी लाइफ पे सॉरी बोला नहीं तो मैं किसी को सॉरी बोलूं मेरा जूता सॉरी बोले गलती करने के बाद भी मैं सॉरी नहीं बोलूंगी देख गोल्डी गोल्डी देख मैं गोल्डी से मैं देख पता नहीं मुझे लिसन टू मी मुझे नहीं पता तू मिली नहीं मिली गोल्डी को गोल्डी और मैं तीन चार दिन इकट्ठे रहे हैं ही इज अ वेरी डिसेंट गाय बहुत बढ़िया बंदा है वो ग्यारह का यार है वो अभी मैं कह तो रही हूँ अभी परसों भी इसको बता रही थी मुंह फुला के बैठा हुआ बात नहीं कर रहा देखती हूँ कब तक नहीं करेगा बात तो कर लेगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर सॉरी बोलने के बावजूद भी बात नहीं कर रहा मुंह फुला के बैठा हुआ है पकोड़े की तरह मगर ये चल ठीक है अब हम लोग को शेयर अरे यार उस दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक हो गया था छोड़ो ना हाँ कोई छोड़ो छोड़ो को छोड़ो मैं उसके दोबारा बात नहीं करनी बट ही इज अ गुड गाय बहुत बढ़िया बंदा हो यार वो मैं गोल्डी भाई इकट्ठे रहे हैं होटल में
एक ही रूम में थे, परोड़ी को पता है कि वी हैव अ गुड फन एंड एवरीथिंग, बट लाइक वेरी डिसेंट गाय, बहुत बढ़िया बंदा वो। वो यारों का यार है, वो तुम्हारे लिए जाट है, वो प्योर जाट है, वो खड़ा ना खड़ा है तुम्हारे साथ, नहीं खड़ा तो फिर नहीं खड़ा, वैसा बंदा है। कुछ बातें हैं अंदर की, फिर तुझे ना पता होता तू रहने दे, फिर हमारी किस चीज में लड़ाई तुझे नहीं पता, अभी अभी ये सब रहने दे बस। उस दिन मैंने बोल दिया था पी खा के, फिर जहां मेरी गलती होती मैं सॉरी भी बोलती हूँ, बोला है मैंने पूरी लाइफ, कुछ नहीं बोलूंगा अब, नहीं बोलूंगा ज्यादा, फिर मैं गला तो काट नहीं सकती भाई, देख सीधी सी बात है, गला काट के तो दिखा नहीं सकती ना, छाती चीर के दिखा, नहीं तो अपना हाथ काट के कह सकती थी ना, जी लिख के कह सकती थी आई लव यू गोल्डी, नहीं 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 बच्चे को बड़ा किया है, पढ़ा लिखा है, अच्छा मकान है तेरा, सब कुछ है, खाना पीना सही है तेरा, तो लीव दैट शिट अलोन, दैट्स इट, हैव फन, लोगों की बहन को लर्न, ये डायलॉग मजा आया पूरी लाइफ में, हैव फन, लोगों के बैंड दी लंड सभी मेरी बात ये सीधा बात है, कहते साफ कहो सुखी रहो, आई लव दिस डायलॉग, मेरा नेक्स्ट लाइन में अच्छा ये डायलॉग बोल, कभी कभी डायलॉग होता है ना, कोई दूसरा डायलॉग होता है तेरा, एक दारू पी के पता है नीचे ऊपर आ रहा हो, जस्ट लाइक तू कंफ्यूज हो जाती है, उसका डायलॉग मेरा बहुत बढ़िया है, जिस दिन तू बोलेगी मैं तुझे सुनाऊंगा तेरे को, मैं ठीक है देखो वो बात भी लोगों को बहुत गंदा लगता है, पर देखो है भाई सबके शौक होते हैं, अब मुझे नहीं पता तुम लोगों का ये शौक है कि नहीं है, पर अधिकतर लोगों के शौक होते हैं, थोड़े मूवी देखा करो, इंग्लिश मूवी वगैरह क्या धांसू दिखाते हैं उसमें चीजें, अरे सारे काम होवे, यहाँ बैठ के सती सावित्री और हरिश्चंद्र बनते हैं सबके सब, ठीक है, कोई भी नहीं है भाई, देख मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, अगर परोड़ी मुझे कल कहेगा ना मैं शादी कर रहा हूँ तो मुझे लड़की वर्जन मिल रही है, तो आई डोंट थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग परोड़ी भाई, देखो यार राज भाई अभी तो जिन मैं तो इतना ही बोलता हूँ, राज भाई देखो यार अब सूतों के मामले में मेरा थोड़ा हाथ कमजोर है, तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है, 900 चूहिया खा के अब बिल्ला कह रहा है मेरा हाथ कमजोर है, अरे हाथ कमजोर ही है ना, या तो फिर मेरा लंड कमजोर है, जो भी आती है छोड़ के चली जाती है, जो भी आती है छोड़ के चली जाती है, सुर वो लंड कमजोर नहीं है, लंड कमजोर नहीं, खड़े लंड पे धोखा है, अब तू अपनी उस चीज की तारीफ भी नहीं कर सकता क्योंकि पूरे इंस्टाग्राम ने तेरी देख ली, समझ रहे, अब तू तो बोल भी नहीं सकता कि हाँ भाई मेरे में ये, पूरा इंस्टाग्राम में तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को नंगा कर दिया, नंगा करके छोड़ के चली गई, अरे उसका उसने नंगा नहीं किया, नंगा जिसने किया मैं पता, मुझे पता, खाली तेरी कुक भी हंस रही है कि आज ये क्या क्या बातें कर रही है दीदी, हाँ सही बात है, मुझे मरवा हो गया और कुछ कोई नहीं, तेरे को अच्छी लड़की मिलेगी, जो तेरी पायलट है अच्छी लड़की है, आई प्राउड ऑफ यू, अच्छी लड़की मिलेगी, तो तुमने शुगर है, तुमने वो हस्बैंड वाइफ वाला चक्कर छोड़ दिया, वैसे बात बताऊं राज तेरे को, सफर का फल बहुत मीठा होता है, वो कहावत पता है ना तेरे को, एक बात बताऊं, ये लड़का ना ये पनोड़ी बड़ बोला ज्यादा है, और इस बंदे को लड़की बहुत बढ़िया बने बंदे को मिलेगी, और ये चीज मिलेगी ना, मैं लाइफ में भी नहीं आएगा, सब्र का फल इतना मीठा होता है, और ये जितनी बकचोदी यहाँ कर रहा है ना अभी, ये एक ऐसा आदमी आने वाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत पहचान मुझे आदमियों की, औरत की मैं पहचान नहीं कर पाती हूँ समटाइम, ठीक है, तो पर आदमियों में एक ये चीज मैंने नोटिस किया है कि जो ज्यादा उछलते हैं ना, जो ज्यादा अपने आप को बहुत दिखाते हैं, वही अपनी बीवी के बहुत ज्यादा गुलाम होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, हाँ तो इसीलिए ये ना जिस दिन इसका ब्याह होगा ना देखना तुम लोग इंस्टाग्राम में तरस जाओगे उसको देखने के लिए, हाँ ये जिस दिन ये निकल गया, जिस दिन की शादी हो गई ये निकल जाएगा, ये सही बोला, क्या नहीं किया मैंने सुहाना के लिए, बदनाम हो गया फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला, आज वो बच गई, अच्छा वो तेरे कहते हैं नसीब में लगे लोड़े तो पड़ोसियों के बच्चे खाएंगे पकोड़े, तेरा वो हिसाब है, 8 बजे तक
ठीक रहेगा ना? अभी तो धूप निकल गई, मौसम तो साफ ही है, एक बज तक चलते हैं। अभी ब्रेकफास्ट किया, बस थोड़ा नहा वहा ले, फ्री हो जाए कर चलते हैं फिर 1 बजे। ठीक, आ जा घर पे आ जाइयो। हाँ तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसका ब्याह हो जाए। मैं तो कहती हूँ सारे जितने कवारे कुवारिया हैं, जितनी कुवारी बहनें इंस्टाग्राम में हमारी है, बिन बिहाई बुढ़िया है, जितने हमारे इंस्टाग्राम में भाई दोस्त बिन बिहाई बुढ़े हो रहे हैं, भोलेनाथ सबका ब्याह कर दो इस साल में, और साथ में मेरा भी कर देना, साथ में मेरा भी कर देना, मैं भी चाहती हूँ ब्याह करना। अब तेरा 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 आई डोंट थिंक सो तेरा शादी होगी, तो लोगों की शादी करवा देगी मगर तेरा नहीं होगा। ऐसे मत बोल राज, ऐसे मत बोल भाई। तू पता है, तू पता है शेरनी, एक बात बताऊं, तू इतनी स्मार्ट है, तू बंदा बेच के खा जाए। नहीं नहीं मैं नहीं ऐसा करूंगी, मैं उसके गुलाब बन के रहूंगी, मुझे ब्याह करना है। अरे शेरनी, मैंने ऐसा सुना, आई एम नॉट श्योर, देख लिया, मेरे तो कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए मैं तुझे पूछ रहा हूँ, शायद तेरे पास वो न्यूज आई हो। अरे वो लड़की नहीं थी, रियल जाटनी? रियल जाटनी, हाँ हाँ, जिसने अभी शादी किया उसके साथ, हाँ। उसका डिवोर्स हो गया, क्या ये सच बात है? मुझे नहीं पता, पर हाँ वो जो उसका पति था पुअर पुअर लड़का जाट, वो डिवोर्स ही था पहले। अरे वो पहले डिवोर्स ही था, लेकिन इसने ये सेकंड डिवोर्स भी किया। रीजन ये था के मतलब ये लोगों ने, ये जो जो कुंवर साहब थे उसको ये बोला कि भाई तुम इतने अच्छे हैंडसम हो, ये वो, और ये औरत मतलब काली कलोटी 300 किलो की है ये, तो भाई कब का डिवोर्स हो गया पता है तुझे? मेरे पास नंबर है उसका, रियल जाटी का, मैं पता करती हूँ जरा फोन करके क्या कहानी है भाई, ऐसे सुनने में आ रहा है तेरे बारे में भाई। कहानी पता करो, अगर मतलब कहानी सच्ची है तो फिर मतलब वो इंस्टाग्राम फैमिली से है, हम सब लोग खड़े हैंगे जटनी के साथ, ऐसे कैसे भाई वो डिवोर्स दे सकता है? नहीं नहीं ऐसे गलत गलत किया फिर उसने, आगे डिवोर्स दिया। अरे दे दिया डिवोर्स, कब का हाँ, कब का डिवोर्स दे दिया है? तेरे को पता पनोड़ी के बाद खबर आ जाती है, अरे मेरे पास तो 3 महीने पहले खबर आ गई थी, लेकिन मतलब खबर कंफर्म नहीं हो रही थी, लेकिन ये खबर कंफर्म है कि उसका उसका डिवोर्स का। इसको शायद पता नहीं, तुझे मैंने बताया नहीं, बताया खबर मेरे पास भी आई थी कि इसके लिए लाइव चला कहकर, अब वो लाइव चलाने के मूड में ही थी, तब तक जिसके लिए लाइव चलाने थे उसी का फोन आ गया रोते धोते का, उसका नहीं आया, किसी और के थ्रू उसने फोन करवाया कि मेरे लिए ऐसा कुछ मत कर दियो, मैं ये वो, मैं सिंगल रहती हूँ, ये फिर कुछ गा। मैंने कहा चल यार तू भी क्या याद करेगी, नहीं कर रही तेरे नाम की लाइव, बहुत फेमस है अपने यहीं की हरियाणा की है, उसकी 2-3 अच्छी पोल खोलनी थी झूठी औरत की, फिर छोड़ दिया। जब सामने वाला कोई रोता ना फिर नहीं मजा आता, फिर उसके साथ लड़ने में उसके साथ मजा आता, जब सामने वाला टक्कर का हो, कतई अपने से भी ज्यादा भयंकर टक्कर का हो ना, तब आता है मजा। ऐसे कायरों से लड़े पहले रोने लग जाए, उनसे क्या लड़ाई करना। हाँ मतलब इनका मतलब कोई इश्यू चल रहा था दोनों का, और मतलब मुझे पता चला था भाई। लाइव रिमेनिंग आ गई, चलो शेरनी सी यू टुमारो, फिर मिलते हैं। हाँ मैं भी क्या भाई, हाँ ओके शेर, मेरी लाइव रिमेनिंग आ गई, ओके चलो बाय भाई, टेक केयर, चलो भाई मैं भी खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, चलो भाई।